सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर YouTube में अगर मैं अपने चैनल का नाम सर्च करता हूँ तो मेरा YouTube चैनल सर्च बार में सबसे ऊपर आता है। अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर मेरा चैनल सर्च बार में ऊपर क्यों नहीं आता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स और YouTube के कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपने चैनल को भी YouTube के सर्च बार में ऊपर ला सकते हैं। सो गाइस, बने रहेगा इस वीडियो पे अंत तक, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा ले। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं कैलाश और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्नो कैलाश में। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल का नाम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने YouTube चैनल का नाम क्रिएट कर रहे हैं तो आप हमेशा यह ध्यान में रखें कि आप अपने YouTube चैनल का जो नेम दे रहे हैं उस नाम से कोई बड़ा क्रिएटर पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर कोई बड़ा क्रिएटर उस नाम से मौजूद है तो बेशक आप उस नाम को चेंज कर दें। दोस्तों, हमारा दूसरा तरीका यह है कि जब भी आप YouTube चैनल पे अपना नाम क्रिएट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने चैनल को एक यूनिक नेम दे। अब बात आती है कि हम अपने चैनल के लिए एक यूनिक नेम कैसे फाइंड करें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपका जो नाम है आप उसी नाम से चैनल जनरेट कर दे। अब मान लीजिए उस नाम से भी पहले से YouTube पे कोई चैनल मौजूद है तो आपको सिंपली उस चैनल में कुछ न्यूमेरिक वर्ड ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है टेक्नो कैलाश, तो अगर टेक्नो कैलाश नाम से मुझे दूसरा कोई चैनल क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम टेक्नो कैलाश 2.0, टेक्नो कैलाश 111, टेक्नो कैलाश 123 ऐसा कुछ भी न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल के आप अपने चैनल के नेम को यूनिक बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया फिर भी आपका चैनल रैंक नहीं कर रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने YouTube की सेटिंग्स में और आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे टैग्स बताऊंगा, कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने YouTube चैनल को सर्च बार में ऊपर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं हम आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है YouTube में और आपके चैनल का एक आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने योर चैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने चैनल का एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों, देख रहे हैं नया इंटरफेस मेरे सामने खुल के आ गया है। अब आपको इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है। दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर जनरल दिया हुआ है, उसके नीचे चैनल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, चैनल में एक बेसिक इन्फो है, इसमें आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। और ये नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ टैग्स डाले हैं, जैसे टेक्नो कैलाश, एक में आप देख सकते हैं बीच में स्पेस है, एक में स्पेस नहीं है, एक में अंडर स्कोर है। तो इस तरह से आप अपने चैनल को जितने तरीकों से लिख सकते हैं उतने तरीकों से यहाँ पे लिख दें। तो दोस्तों, यह एक तरह का टैग है, इस टैग को जैसे ही आप डालेंगे तो 24 से 48 घंटों के अंदर YouTube पे जिन चीज़ों को सर्च करने पे आपका जो चैनल है वो सर्च बार में दिखाने लगेगा और धीरे धीरे करके आपका चैनल सर्च बार में ऊपर आने लगेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा ले ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।